लगता है तीसरा विश्व युद्ध होके रहेगा। ईरान ने हाल ही में अपनी 2000 किलोमीटर की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी टेस्टिंग कर ली है। ईरान ने ऐसा किया है। अब यहाँ समझते हैं इस खबर को बहुत अच्छी तरीके से, बारीकी से समझते हैं। यहाँ पे देखिए 2000 किलोमीटर की जो बैलिस्टिक मिसाइल है अमेरिका इसराइल के बेस तक पहुँचने में सक्षम है। ये जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक ना, ये आपको यहाँ पे देखिए गौर से, फारस की खाड़ी है, ये जो फारस की खाड़ी आपको दिख रही है, यहाँ पे अमेरिका और इसराइल के जो युद्ध पोत हैं वहाँ तक ये पहुँचने में निश्चित रूप से इसकी बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की सक्षम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद रेजा अस्तियानी, उन्होंने ये घोषणा कर दी है। और ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी है IRNA ने, उन्होंने कहा है कि खैबर नाम की ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर रेंज है इसकी, ये 1500 किलोग्राम वारहेड ले जा सकती है। ईरान पिछले 22 साल से न्यूक्लियर पावर बना रहा है, ठीक है, और ये जगरोस की पहाड़ों में ढेर सारे टनल बनाए गए हैं, नतांज के करीब है, न्यूक्लियर साइट है ये नतांज जो है, ये परमाणु केंद्र है एक प्रकार से। यहीं पे US और इसराइल ने एक बार अस्टक्स नेस्ट वायरस हमला किया था नतांज न्यूक्लियर साइट को चौपट करने के लिए। तो अब इस वाले मिडिल ईस्ट में देख सकते हैं जितने भी अरबियन कंट्री है, खासकर सऊदी अरब तो बिल्कुल नहीं चाहता है, यहाँ इसराइल है, इसराइल भी नहीं चाहता है, US भी नहीं चाहता है। अब ईरान ने ऐसा एक बैलिस्टिक मिसाइल, खैबर बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है, तो निश्चित रूप से इसमें जियो पॉलिटिक्स है और ढेर सारे लफड़े हो सकते हैं। वार तो लग नहीं रहा है लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि ईरान और इसराइल की बहुत ज़्यादा अभी दुश्मनी चल रही है। इसराइल के कई, ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं ना इसराइल, ये देखिए छोटा सा देश है इसराइल, इसराइल के मोसाद ने कई ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्डों को कई जगह पे मारा है, इराक में मारा है, सीरिया में मारा है। अब ईरान वाले भी कम नहीं है, इसराइल के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। हाँ, और सऊदी अरब तो खैर इनका कट्टर पुराना दुश्मन है ही, तो इससे इस इलाके में निश्चित रूप से इस रीजन में जंग छिड़ सकती है।